वो नहीं कि भैया रशियन ऐसे ऐसे नाच रही है, ये वाला चीज नहीं। भाई भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, खोल के रर रर करके चिशके हैं। शायद आज फाइनली हम ब्लॉग शूट करें ना, तो फाइनली ये शायद आज इसकी डीलिंग हो जाए और आज मैं इसका लोन भी बंद कराऊंगा। अच्छा टाटा बाय बाय? नहीं आज टाटा बाय बाय नहीं होगा भाई, जब तक पूरे पैसे नहीं आएंगे। बट हाँ, जैसे हमने किसी गाड़ी की बुकिंग की, वैसे कोई ये गाड़ी की बुकिंग करने आ रहा है। ये चल रही है इस पर, कल मैंने गाड़ी चढ़ा के देखी ना फॉर्च्यूनर, बट फिर भी इसको ना पूरा कवर तो कर ही देंगे। ठीक है, वो वाली कब पेंट होगी अपनी? कल तो नहीं थी ना डिलीवरी, है तो वही हो गया ना। जो क्रेटा वाले कस्टमर भैया क्या लेके आए? सीमेंट लेके आया। सीमेंट भैया वो लेके आया सीमेंट, वो उधर वाला भी बन रहा है ना उधर, ये अपना नया वाला भी उसके लिए। ट्राली आपकी बहुत गंदी हो गई, इसमें बफिंग कराओ यार, बफिंग वफिंग की बहुत जरूरत है, पेंट मरवाओ दोबारा, है ना? खड़ी कर दो, कल उठा ले जाना, ये छोड़ दो यहाँ पे ट्राला। जो अपना रील बनेगा ना तो अच्छा लगेगा, मतलब इसमें ना बिफोर एंड आफ्टर कि गाड़ी कैसी आई थी, कैसे स्टार्ट हुआ था, वो भी हो रहा है ना आपका। हां YouTube वीडियो और से रील भी बना सकते हैं, क्योंकि इसके हमने रील वगैरह चेंज कर दी। हां उसके लिए हम रील बना सकते। फर्स्ट स्टेप किया था अभी जो बात पे गाड़ी चेक करेंगे कहां क्या, ये पॉलिश बफिंग होके रेडी है ना, मतलब उसके बाद चेक होगी अभी पॉलिश, सेकंड चलेगा। अच्छा सेकंड अभी बाकी है इस पे, ठीक है, तो इसके बाद फिर इसको लगा देंगे। बहुत बार ना ये चीज़ मैंने देखा है ना, जब भी आप कहीं पे वॉश कराते हो ना, लोकल वॉश कराते हो, तो क्या करते हैं ना लोग, प्रेशर वॉशर लेके इस पर पूरा पानी मार देते हैं, ठीक है, पूरा इंजन बे पे ना खोल के भाई यहाँ पे क्या हो रहा है करके पानी मार देते हैं। भाई वो सही तरीका नहीं है, आइडियली ना आपको अगर इंजन भी साफ करना है, क्योंकि ये पार्ट ऐसा है ना, ये दिल है, और दिल में ना आप ऐसा कुछ हार्ड चीज ऐसा यूज नहीं कर सकते। ये सही तरीका है कि हर जहां पे भी कर्व्स और ये है ना, वहां पे प्रॉपर आपको ना सॉल्यूशन डाल के उसको प्रॉपर डिटेल करना है, तो वो ब्रश से ही होगा। तो नेक्स्ट टाइम आप भी अगर गाड़ी कहीं पे ना वॉश करा रहे हो, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं। देखो ये सारा बैटरी का पार्ट है, अब इसमें पानी गया ना, प्रेशर वॉश इतना फास्ट प्रेशर होता है ना, कि ये चीज़ ना कहीं लॉन्ग रन में आपकी गाड़ी के इंजन को डैमेज कर सकता है। देख रहे भाई, ओके भाई, डिटेलिंग लेवल्स रेड कारपेट को अगर आपने फॉलो नहीं किया इंस्टा पे अभी कर लो, मतलब मस्त मस्त कंटेंट आता है उधर एकदम। ओ क्या गिर गया पूरा भाई, गाड़ी रेडी हो चुकी है, अब भाई आ रही है पीपीए पे, यहाँ लगेगी मस्त पीपीए होगा तगड़ा सा, और वो भी मैट पीपीए। ये पेड़ देख रहे हो ना, ये पेड़ जो खड़ा, ये पेड़ है ना, ये हमारे ऑफिस में ना बहुत मेहनत से लगाया गया, और पेड़ का रिफ्लेक्शन देखो बहन की, यहाँ किसको लगा किसी को भाई सच में कितना तगड़ा ग्लॉस कर रही है ना गाड़ी, ये साइड पूरी ग्लॉस, इसे कहते हैं डिटेलिंग, ये करो भाई सच में यार, लिटरली कितना प्यारा ग्लॉस आ रहा है इस गाड़ी पे, अलग लेवल का। अपने यहाँ पेंट भी हुई क्या? ये पेंट हुई है। अच्छा तभी पेंट भी हो रखी है ना ये गाड़ी पूरी, भाई लिटरली क्या सही। और देखो यहाँ का ये ग्लॉस अभी आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, ये और ये, इसमें आपको देखो कितना डिफरेंस दिख रहा होगा, ये देखना थोड़ा धुंधला धुंधला सा, और ये ग्लॉस देखो आप, देख रहे हो मतलब उंगली भी टच कर रहे हैं ना, तो देखो कर लो जो आपको करना है। अच्छा फिर ऊपर आपको कुछ देखना नहीं है, वेरिफिकेशन के लिए भैया को बताई नहीं। आ जाओ
देख रहे हैं सर कितने बिजी हैं, इतना बिजी है ना, सीखो लाइफ में ओए आराम से। ये लो, ये डायनासोर आ गया। चिशके हमारे भारत देश में कितने स्टेट्स हैं? क्या हो गया? अरे काम नहीं करने दे तो फुहारा चालू कर देगा भाई। फुहारा मत चालू करो, क्या परेशान कर रहे हो यार। इतनी ग्लॉस है ना इसमें, तो छोटा छोटा डस्ट दिख रहा है। और ये मैट भाई की गाड़ी है, पूरा भाई की। अभी जब इसमें मैट फाइनल हो जाएगा ना, ज़बरदस्त लगेगा भाई। ये पूरी गाड़ी पे ऑलमोस्ट पूरी गाड़ी हमने पेंट की है। भाई को गाड़ी जल्दी चाहिए थी तो इसलिए उसको जल्दी दे रहे हैं। अदरवाइज़ तो मेरा मन था कि इसको ना धूप में खड़ी करें 4-5 दिन और उसके बाद दें, ताकि जितने मॉइस्चर्स हैं ना वो सारे निकल जाएँ। तो इसको भी कल हमें देना है। आज हमें 3 गाड़ियाँ देनी, तो आज का दिन बहुत हेक्टिक रहने वाला है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इसका भी शायद बम्पर पेंट हुआ है ना? हाँ, इसका बम्पर पेंट हुआ है ना। इसका बम्पर क्रैक हो गया था यार। Okay. इसका बम्पर ना यहाँ से एक्सीडेंट में ना क्रैक हो गया था। अब पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्रैक हुआ था। बाकी क्ले कर रहे हैं ताकि जितनी भी इम्प्योरिटीज है ना, क्ले का प्रोसेस हमने शायद ईटीयू वाले वीडियो में कभी एक्सप्लेन नहीं किया। हाँ। इसी टाइम पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि हम क्ले क्यों करते हैं। आपको ना जो भी रफनेस होती है ना पेंट के ऊपर, बहुत बार ना OEM पेंट्स में भी ना आपको रफनेस फील होती है, तो इस गाड़ी में हमें वो फील हो रही थी। ये एडिशनल प्रोसेस है, बहुत लोग इसको अवॉइड करते हैं, सोचते हैं कि भाई बिना इसके हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे अगर हम हर एक चीज़ नोटिस करते हैं और अगर हमें लगता है, जैसे भाई देख रहा है ना एकदम ध्यान से कि कहाँ पर रफनेस है क्या है, तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए ना क्ले का यूज़ होता है। उसके बाद फिर बफिंग, फिर पॉलिशिंग, फिर IPA से पूरी गाड़ी को क्लीन, एंड देन फिर वॉश, एंड फिर आएगी बे पे। तो अभी बे पे आने के पहले का इतना जो मेहनत है ना वो यहाँ पे इस बे पे करते हैं। ये फिल्म में सबसे इम्पोर्टेंट विंडशील्ड और इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये डस्ट पार्टिकल्स हैं और वो नहीं जाएंगे। जैसे मॉइस्चर ये है, ये मॉइस्चर है, यहाँ पे ना आपको मॉइस्चर ट्रैप दिखेगा, ठीक है। तो ये ना धूप में अभी चला जाएगा, ये सब सारा सूख जाएगा, ठीक है। ये वाला नहीं जा सकता सर, बट अब वो दूर से देखने पे नहीं पता चल रहा है। भाई फाइनली इस गाड़ी की डिलीवरी हो गई है और देखो क्या प्यारी लग रही है डे लाइट में ना। ग्लॉस देखो इस गाड़ी का, क्या जबरदस्त लग रहा है ना। विकास भैया ड्राइव कर रहा है, मतलब उन्होंने गाड़ी निकाली है अभी बे से। भाई ये देखो, अमेजिंग। इसको बोलते हैं ग्लॉस ना। इसका डे में देखिए कितना प्यारा ग्लॉस आ रहा है डे लाइट में, बहुत तगड़ा लग रहा है यार। मेरे को मन कर गई ना, तभी आपने निकाल लिया है। भाई एक कपड़ा लेके आना ना, एक कपड़ा देना माइक्रोफाइबर, ये देखो माइक्रोफाइबर। मतलब कोई हाथ भी रख दे रहा है ना तो उसके भी ग्लॉस वो निशान पड़ जा रहे हैं। अब देखिए सर कितनी प्यारी लग रही है ना डे लाइट में, मतलब एक लाइट नेचुरल। बस ये फिंगरप्रिंट हो जाए। हाँ बस वो कपड़ा मंगाया, वो कहीं भी हाथ लगाएगा। अभी जैसे बोनट बंद किया ना उन्होंने, फिंगरप्रिंट। हाँ वो इतना ग्लॉस है ना, आपको ना इसमें छोटे छोटे डस्ट के दाने भी आपको दिखेंगे कि वो आ रहा होगा, इतना ज्यादा ग्लॉस है। छूने से गंदी क्रैक सॉल्वर्स आ जाएंगे। हाँ नहीं, सॉल्वर्स नहीं आएंगे, ग्रफीन किया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है।
सर इस पे ना माइक्रोफाइबर दो क्लोथ है एंड सेरेमिक शैम्पू है, आप उसी शैम्पू को देना अपने भैया को ना कि वो उनसे साफ करे, एक लीटर पानी में दो बार स्प्रे करके पूरी गाड़ी पे छांव के अंदर, क्योंकि अदरवाइज वो तुरंत ड्राई होके स्पॉट छोड़ देगा। जिंदगी भर आपकी ऐसी ही लॉस रहेगी जैसे हिसाब से मेंटेन। ये कपड़ा देना ना माइक्रोफाइबर, चलिए सर ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। एक्चुअल में ना इस नई फेसलिफ्ट क्रेटा पे ना हम लोगों ने पीपीएफ किया है। ओ भाई कितना शोर मचाते हैं, बहुत ही प्यारा ग्लॉस आ रहा है पीपीएफ करने के बाद, देखो आप। कुछ प्लान कर रहे हैं, ये हम डिलीवरी का कुछ प्लान कर रहे हैं, तो अभी राहुल सर के साथ हम बैठे हैं, राहुल सर कुछ तगड़ा प्लान करके बता रहे हैं, फिर हम देखेंगे इसमें बजट कितना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है ना कि बजट कितना है। बजट कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर, बढ़िया करेंगे इसको। अच्छा, वो डांसर्स वगैरह वो रशियन ये नहीं चाहिए? नहीं चाहिए बिल्कुल ना, वो बेस्ट रहेगा। तभी मैंने मतलब एकदम इतनी क्लासी हो ना, वो बहुत मतलब वो एलिगेंट कॉन्सर्ट का इवेंट देखा होता है कि सेमले स्टेज होता है, पब्लिक को 10-12 फीट पहले रोक दिया जाता है, तो स्टेज तक नहीं जा सकता। हाँ, तो उससे पहले बैरिकेडिंग हो जाएगी। हाँ, कोई भी आपका बंदा वहां तक नहीं जा सकता, सिर्फ आपको छोड़ के। तो फिर वो बैरिकेडिंग हटेगी ना, बैरिकेडिंग में गेट होगा। अच्छा, तो ना गेट खुलेगा, आप जा सकते हो, आप जिसको लेके जाना चाहो आप जा सकते हो। और कुछ आपके हिसाब से करना था? आई थिंक दिस इज वेरी एलिगेंट एंड वेरी क्लासी, ये बहुत क्लासी रहेगा, एंड थीम हमारा ब्लैक पे रहेगा। हाँ जी हाँ जी, बैकग्राउंड में भैया के साथ ही बैठा। तो भाई प्लानिंग ये है कि अपन बहुत तगड़ा प्लानिंग कर रहे हैं, बाकी राहुल भैया आए थे, राहुल भैया के साथ बैठ के, थैंक यू राहुल भैया, ठीक है, बहुत कुछ तगड़ा ये कर रहे हैं। आज सुबह से बैंक वाले राहुल भैया इवेंट संभालेंगे, वो कहाँ पे करना है कैसे करना है, वो नहीं कि भैया रशियन ऐसे ऐसे नाच रही है, ये वाला चीज़ नहीं, मतलब एकदम ही डिफरेंट कुछ प्लान कर रहे हैं, एंड वो आपको जल्दी दिखेगा। और भाई आज की लास्ट गाड़ी पे भी डिलीवरी होने वाली है, हैरियर पे तो होने जा रही है डिलीवरी। हम लोग शूट कर रहे हैं व्लॉग, केक अच्छा चेंज हो गई है मॉर्निंग में, मॉर्निंग में कोई अलग केक थी, अभी अलग आई है, मैम अलग अलग मंगाते रहते हैं। ब्लैक गाड़ी पे ब्लैक केक, ब्लैक नहीं है ये ब्राउन है, ब्राउन है। आपके ना ऐसी दिखेगी, मतलब आपको ना ब्लैक में कहीं भी आप क्लियरली अपना फेस देख सकते हो, कितना क्लियर रहेगा। नेक्स्ट 10 डेज आपको बस प्रेशर वॉश नहीं करना है, हमने इसको हीट सील करते हैं सर, तो यहाँ से ना सारा हीट सील किया हुआ है। Okay. तो हीट सील ना प्रेशर वाला क्या होता है उनको पता ही रहता है, वो एक ही प्रेशर आइडियली इसको फुहार से धोना होता है, उस पर ना वो नोकीला पॉइंटेड प्रेशर मार देते हैं, उससे मिट्टी जल्दी हटती है लेकिन काम बचता है, तो वो उतना मेहनत ही करना चाहते, तो उसको वो एकदम जल्दी जल्दी में उससे कर देते, तो वो अगर प्रेशर वॉश अभी मैं करूँगा ना सेटल होने पूरे कम्प्लीटली सेटल होने के पहले, तो वो निकलने का चांसेस होता है। फिर जब आप रेक्टिफिकेशन में आएंगे ना, तो जितने भी कर्व पार्ट है उसको स्ट्रेच करके लगाते हैं, पीपीएफ अपना शेप लेता है और फिर वो पर्टिकुलरली फिक्स होता है, जो भी एक्स्ट्रा होंगे ना तो वो हम रेक्टिफिकेशन में चेक करके उसको कट करेंगे, कोई पैनल अगर हमें लगा कि नो दिस हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विल रिप्लेस दैट। आज दो नई गाड़ियाँ आई हैं, हाँ ये तो करण वाली मुझे लगा, हाँ वही करण ने, बट करण की गाड़ी में ना ये ब्लैक नहीं है शायद, हाँ। पता नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया या क्या, भाई ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, व्हाइट पे ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है ना भाई, और ये इंजन ना सेम अपना जो 340i में इंजन है ना वो सेम इंजन है इसमें पेट्रोल वाले में, भाई बहुत पावरफुल है SUV, बहुत, मेरे पास अगर इतने पैसे रहेंगे तो मैं ये गाड़ी ज़रूर लूँगा, मेरे को बहुत पसंद है ये गाड़ी, करण की है वो भी मेरी है लेकिन अपनी भी लूंगा एक, जिसपे ना ओनरशिप विकास दयाल के नाम पे। स्टोर के लाइट्स हमने बंद कर दिए, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, बाकी आप बताना कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, बहुत जल्दी इस बे पे आपको ना लैंड क्रूजर देखने का मौका मिलेगा, मुझे भी मौका मिलेगा, पहली लैंड क्रूजर हमारी लैंड क्रूजर इस बे पे काम होने के लिए आएगी, डिलीवरी बस
आप समझोगे ये वीडियो देखते देखते शायद हमने डिलीवरी भी ले ली होगी। बाकी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, गुड बाय।